हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टार होलिस्टिक हीलिंग 111 में। मैं हूं मोनिका जैन, सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर, रेकी एंड क्रिस्टल ग्रैंड मास्टर, और मैं लेकर आई हूं तुला राशि फल सितंबर मंथ के लिए। सितंबर मंथ में तुला राशि की लव लाइफ और करियर में क्या ग्रोथ होने वाली है, क्या नए चेंजेस आने वाले हैं, ये हम जानेंगे आज की इस रीडिंग में। गाइज, ये जनरल रीडिंग होती है, जरूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट हो। स्टार्ट करते हैं लव रीडिंग से तुला राशि की। तुला राशि की लव लाइफ कैसी रहने वाली है सितंबर मंथ में? ओके, ओ वाओ, किंग क्वीन एंड नाइट। तुला राशि, ऐसा लग रहा है कि कोई आ रहा है आपके पास, कोई आना चाहता है आपके पास, और बहुत ही तेजी से आना चाहता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ है जो आपको रोक रहा है, कोई है जो उनको रोक रहा है। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स हो, या आपके पार्टनर के पेरेंट्स हो, या उनकी फैमिली का कोई मेंबर हो। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि कोई है जो आपको मिलने से रोक रहा है, कोई आ रहा है, लेकिन देखिए दोनों ने दोनों पिल्लर बन के रोक रहे हैं कि नहीं अभी रुक जाओ, तो वो कंडीशन यहाँ पर दिख रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो चाहते हैं आना, लेकिन शायद कुछ ऐसा ईगो है उनका, या फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, वो बता नहीं पा रहे हैं, वो दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है लेकिन कह नहीं पा रहे, मुंह से कह नहीं पा रहे कुछ भी। तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, और आपका ध्यान अभी उन पर नहीं है, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है, क्योंकि देखिए सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। सब एक आना चाहता है, एक कुछ बोलना नहीं चाहता, रिजिड सिचुएशन है, और एक का ध्यान ही कहीं और है। तो आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं मिलने के लिए, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आप चाहते हैं, बट हो सकता है कि आपका फोकस अभी अपने काम पे हो, कहीं और ध्यान हो, कहीं और आपका ध्यान हो। तो ओवरऑल सिचुएशन ये कहती है कि मिलने के चांसेस कम हैं सितंबर मंथ में, और बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी आप नहीं रहने वाले हो, नहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको कुछ कहने वाले हैं। जैसे सिचुएशन है वैसी ही दिख रही है चलते हुए। तुला राशि, तुला राशि, तुला राशि, योर ट्रांसफॉर्मेशन गाइडेंस। ओके गाइज, जैसा मैंने बोला कि कोई मुझे यहाँ पर हलचल नहीं दिख रही है। हलचल इट मीन्स कि किसी से मिलना, या फिर कुछ रोमांटिक होना, कुछ रोमांटिक बातें होना, ये सब मुझे यहाँ पर कम नज़र आ रहा है सितंबर महीने में। और द बर्डन कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि शायद अभी आप थोड़ा सा परेशान है, थोड़ा सा चेंज चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अभी इस सिचुएशन से निकल कर थोड़ा सा कहीं और फोकस किया जाए, और न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ भी यहाँ पर दिख रहा है। न्यू ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स हो सकता है कि किसी की गाइडेंस के थ्रू या किसी के समझाने की वजह से आपने डिसाइड किया है कि अभी कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेने का, वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप चाहते हो इस रिश्ते से थोड़ा ब्रेक ले लूँ मैं, और जो भी आपके पार्टनर हैं उनको भी थोड़ा सा हो सकता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, या फिर ये कहूँ कि वो दूर रहते हैं तो इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं, दूर से ही वो ट्राई कर रहे हैं लेकिन उनकी जिम्मेदारियाँ उन्हें रोक रही है और नहीं आने दे रही है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है सितंबर मंथ में, कुछ बहुत खास यहाँ नहीं नज़र आ रहा है, आप दोनों अपने आप में ही बिजी रहने वाले हैं। देखते हैं लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। ओके, आई मिस यू, जैसा कि मैंने बोला कि आपके पार्टनर शायद आपसे दूर रहते हैं इसलिए वो आपको मिस कर रहे हैं। वन टेक्स्ट फ्रॉम यू चेंज माई होल मूड, हो सकता है वो आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं, और आप जैसा कि मैंने बोला आप अपने आपका ध्यान कहीं और है, तो हो सकता है कि आपने उन्हें अभी मैसेज नहीं किया है, इसकी वजह से भी वो कहना चाहते हैं कि आपका एक टेक्स्ट भी उनको खुशी देता है बहुत ज़्यादा। यू मेक माई एवरी ड्रीम कम ट्रू, उनका हर सपना आप ही से पूरा होता है,
तो ही लव्स यू सो मच या शी लव्स यू सो मच, लेकिन हो सकता है कि अभी बहुत ज्यादा शेयर करना आप एक दूसरे से नहीं चाहते हैं। यू आर ब्यूटिफुल, आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि आप बहुत ब्यूटिफुल है। ये थी लिब्रा आपकी लव रीडिंग। अभी हम देखते हैं आपकी जॉब, आपके फाइनेंस में क्या चेंजेस आ रहे हैं सितंबर मंथ में। तुला राशि, वाओ, आप अपने काम में हो सकता है कुछ जॉब सर्च कर रहे हैं अभी, और चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ही शिद्दत से जल्द मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा काम मिल जाए। या फिर अगर कुछ आप बिजनेस करते हैं, कुछ जॉब करते हैं, तो उसमें आप वेट कर रहे हैं कुछ न्यू चेंजेस का, और गाइडेंस भी आप ले रहे हैं कि किस तरह मुझे चेंजेस लाने चाहिए। सितंबर मंथ में आप जो भी विश कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट होने वाली है। अगर आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको जॉब मिलने वाली है। अगर बिजनेस में न्यू अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो भी आती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। चलते रहें, चाहे स्लो हो चाहे फास्ट हो, लेकिन आपको रुकना नहीं है सितंबर मंथ में। आपको चलते रहना है, जो भी सक्सेस मिल रही है आपको लेते रहना है और आगे बढ़ना है। देखिए पेशेंस कार्ड आया है, जैसा कि मैंने बोला कि सिर्फ आगे बढ़ते रहना है, आपको रुकना नहीं है कहीं पर भी। जो जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको ले लो, उसको संभाल लो और पेशेंसली वेट करो। एंड ऑफ द सितंबर तो मिलने ही वाला है। सेवन ऑफ वॉन्ट्स मुझे यहाँ पर दिखा रहा है, स्ट्रेस कार्ड है। तो थोड़ा सा हो सकता है कि वर्क लोड ज्यादा हो, जो भी जॉब आप कर रहे हो उसमें हो सकता है कि वर्क लोड ज्यादा हो, लेकिन आपको जैसा कि मैंने बोला कि पेशेंस रखना है और वेट करना है लाइफ में न्यू पॉसिबिलिटीज आने का। आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, गिव अप नहीं करना है। आपको ऊंचा सोचना है, मतलब बड़ा सोचना है। ऐसा नहीं है कि आप छोटे में खुश हो जाए, बहुत सक्सेसफुल बनने वाले हैं आप, क्योंकि जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी जॉब, अच्छे फाइनेंस, अच्छी सब बिजनेस, सब अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप। चाह रहे हैं कि मेरी सब चीजें बैलेंस हो जाए। तो डेफिनेटली आपके सामने दो चॉइसेस आ सकती है सितंबर मंथ में, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कुछ भी किसी भी तरह के काम को लेकर। तो उसमें थोड़ा सा आप जगल करें कि हो सकता है ट्रेवलिंग कर सकते हैं, या फिर उसे दूसरी कंट्री में भी आप काम के लिए जा सकते हैं, या फिर अपना बिजनेस फैला सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी चांसेस मुझे यहाँ पर, दो चांसेस मुझे यहाँ पर सितंबर मंथ में आते हुए नजर आ रहे हैं। और जो दोनों रहेंगे वो दोनों ही बहुत सक्सेसफुल भी रहने वाले हैं। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि आपने क्या मैनिफेस्ट किया है, बस आप पेशेंस रखे हुए थे कि जब अच्छा समय आएगा तब मुझे मिल जाएगा। तो वो अच्छा समय सितंबर, मिड ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और डेफिनेटली जो आप चाहते थे वो आप अचीव कर पाओगे। देखते हैं क्या अफर्मेशन आपको देनी चाहिए सितंबर मंथ में। तुला राशि, आई एम फाइनेंशियली अबंडेंट। ओके, तो मीन्स आप ये ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपना फाइनेंसिंग। सेप्टेम्बर मंथ में मॉर्निंग में या फिर नाइट में सोने से पहले 21 टाइम्स 21 डेज तक आपको ये अफर्मेशन देनी है, जिससे कि अफर्मेशन से आप और इजीली इस फाइनेंस को मैनिफेस्ट, अपनी लाइफ में अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर सके। आई एम फाइनेंशियली अबंडेंट। थैंक यू गाइज, ये थी लिब्रा का लिब्रा राशि फल सेप्टेम्बर मंथ के लिए। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।